कोरोना के बढ़ते संक्रमण में सभी लोग होली घर पर ही मिलकर मनाएं और सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की मूर्ति पर पहले तो माल्यार्पण किया और फिर बच्चों को पिचकारी, गुलाल और मिठाइयां बांटी। सभी नगरवासियों को शुभकामना देते हुए विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर पर ही रहकर होली मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली के रंगों में खुशियां भरने के लिए बच्चों को हम पिचकारी के माध्यम से पिचकारी देकर उत्साह भरते हैं। कोरोना के कारण हम इस कार्यक्रम को बड़े स्वरूप में नहीं कर पाए और आज हम सब कैंट विधानसभा के सभी कार्यकर्ता एक सांकेतिक रूप से बच्चों को पिचकारी देकर उनके खुशियों में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही मैं सभी से अपील करता हूं, जिस तरीके से कोरोना का संकट तेज़ी से फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, अपने आप को सुरक्षित करते हुए मास्क पहने, साथ ही होली के इस पावन पर्व पर, रंगों के पर्व पर सब अपने घरों पर होली मनाएं और इस पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने से बचें। लेकिन हमारा ये पर्व है, इस पर्व को हमको मनाना भी है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। तो मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क, दूरी बनाकर ऐसे रंगों के त्यौहार को उल्लास के साथ मनाएं हम सब, साथ ही सबको सुरक्षित रखने का संकल्प भी हम सब लें। और आज इन बच्चों को हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सांकेतिक रूप से पिचकारी देने का काम कर रहे हैं।